केशव भैया, आपने अमोल भैया से क्या मैसेज भिजवाया कि अभिषेक ने कुछ प्लान बनाया? अमोल भी ना, इधर इधर, तूने किसी को कुछ बताया तो नहीं? नहीं, उन्होंने कहा था कि किसी को मत बताना। वेरी गुड। एक्चुअली क्या है, हमारा अभिषेक तो बेचारा गया, मतलब मजनू बन गया है, दीवाना। उसने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए ऋतिक रानडे के घर पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। उसी के लिए मैंने अमोल को बोला था कि तुम्हें किसी और बहाने से रात को 12 बजे ऋतिक के घर लेके आए। तुम्हें अच्छा लगता ना, तुम अचानक हम सबको देखती, पार्टी का माहौल देखती, तो तुम्हें सरप्राइज मिलता। सब कुछ तू ही बोलेगा, मुझे भी कुछ बोलने देना। अरे प्रभाकर दादा, आप कस्टमर को बोलिए ना, कस्टमर को बोलिए। चाहिए अच्छा, एक अभी तुम्हें सब पता चल ही गया है, लेकिन तू ऐसा ही रखना कि तुझे कुछ नहीं पता। तू जानती है ना अभिषेक को, अगर उसे पता चलेगा कि उसका सरप्राइज खुल गया है तो बेचारा मायूस हो जाएगा, है ना? ओके। तो रात को ठीक 12 बजे तैयार रहना, अमोल आएगा तुझे रितिक के घर ले जाने के लिए। ठीक है। और किसी को बताना मत प्लीज। पक्का। बिसात बिछ गई है, अब तोता मैना फंसेंगे, पन्ना फटेंगे और छोटा बहु इन पलटन घर से हटेंगे। बोलो वाह। वाह। ए कल्पेश, सोने देना मुझे। ओ खराटे तो ऐसे ले रहा है जैसे रिक्शा चला रहा हो, वो भी बिना साइलेंसर वाला। महेंद्र भाऊ, महेंद्र भाऊ। अन्ना भाई, इस कल्पेश को देखिए ना। अरे कल्पेश को मारिए गोली। वही चाहता हूँ मैं। आपके पास बंदूक है? बंदूक? अरे देखिए ना इस रिक्शा को। आपको बैठना है इसमें? अरे सोने नहीं दे रहा है मुझे अन्ना भाई। अच्छा हुआ सोने नहीं दिया, वरना मुझे आके आपको जगाना पड़ता। क्यों? बच्चे, आज रात को 12 बजे ऋत्विक रानड़े के घर पे पार्टी बेटी करने जाने वाले हैं। हमारे बच्चे? नहीं नहीं, बाजू में जो तबेला है उसमें भैंस है ना, वो भैंस के बच्चे। गुड़ चना होगा, केले के पत्ते बिकते होंगे, फिर आप बीन बजाना भैंस के सामने तो वो करेगी। ओ मराठी मानुस, जब भी बोलेंगे टेढ़ा ही बोलेंगे ना आप। टेढ़े हैं आप, टेढ़े टेढ़े, इतने टेढ़े। अरे इतने टेढ़े कैसे हो सकते हैं आप? टेढ़े हैं आप, टेढ़े टेढ़े, इतने टेढ़े। अभी इनकी पीन टेढ़े पे अटक गई। टेढ़े टेढ़े हैं आप, टेढ़े, इतने टेढ़े कैसे हो सकते हैं आप? अभी सुनो, हमारे बच्चे अभिषेक और गायत्री ने अगर ऐसी गलती की तो कल सुबह की पहली ट्रेन से गायत्री और उर्मिला जाएंगे राजकोट। और अगर नहीं गए तो आप और अभिषेक चले जाना राजकोट। अरे हम लोग क्यों जाएंगे, हम लोग का घर है ये अन्ना भाई। मतलब आपका भी घर है। वो तो मैं समझ गया, लेकिन ये बात सबको बताने की क्या जरूरत है? देख लिया नतीजा? कल्पेश, 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 महेंद्र भाऊ, आपने इसे मार डाला? हाँ? नहीं नहीं नहीं, अरे ये कल्पेश, कल्पेश उठ। हाँ हाँ, जिंदा है। अरे मरने दो इसे। हम अपने बच्चे का देखते हैं। रात 12 बजे जब वो ऋत्विक के घर जा रहे होंगे तब हम उनका पीछा करेंगे और उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे, है कि नहीं? बोलो। हाँ हाँ, बोला, शाबाश कल्पेश, शाबाश। चल अभिषेक जल्दी कर, 11:30 बज गए, हमारे पास टाइम नहीं। चल चल चल, लो कर। मुझे डर लग रहा है केशव। अरे आप क्यों डर रहे हो, हमें तो वापस आना है, प्लान पता है ना आपको। चला। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? चलो मैं ना एक कंबल ले लेती हूँ खुद को कवर करने के लिए, वरना किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन तुमने कहा किसी से कुछ लिया है? जब कुछ लिया ही नहीं है तो देना क्यों पड़ेगा? अमोल भैया, मैं कहावत बोल रही थी, आप यहीं पर रुकिए,
मैं कंबल लेकर आती हूँ। ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जाता नहीं, नहीं, भारत रत्न, भारत रत्न नहीं, नहीं, नोबेल प्राइज, महेंद्र नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज जाता है जिसका नाम है उर्मिला महेंद्र ठक्कर। थैंक यू, थैंक यू। ओ वहिनी उठिए ना। थैंक थैंक उर्मिला वहिनी। थैंक यू। आहो अवार्ड, 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 हाय मेरा अवार्ड। वो नींद में मिला था आपको, अब जाग गई हैं आप। रुकिए। जाग गई ना। थैंक यू। दोनों को रंगे हाथों पकड़ेंगे और कान पकड़ के उठक बैठक करवाएंगे, है कि नहीं बोलो। हाँ अरे इस बात में तो उर्मिला भी हाँ बोलेगी, मैं उसे फोन लगाता हूँ। लगा। हेलो। हेलो उर्मिला। हाँ उर्मिला बोल रही हूँ, बोल। कौन कुमिला? नहीं यमराज। उस चिबावली का नाम आया कैसे आपके मुंह पर है? ओह उर्मिली, मेरी वाली उर्मिला? नहीं नहीं मा तोड़ कर। क्या महेंद्र भाऊ, आपकी वाली ही उर्मिला बहन होगी ना, गुजराती उर्मिला, हमारी वो अच्छी वाली मराठी उर्मिला मा तोड़ कर थोड़ी ना होगी। अभी इनको मार डालूंगी मैं। हेलो उर्मिला बहन। हेलो हेलो, इधर इधर, यहाँ हूँ। किधर किधर? इधर इधर। ये तो जो यहाँ यहाँ। आहो मैं शांत ही हूँ। लेकिन आप बाहर क्यों हैं? अरे भारती तू अब तक क्यों जाग रही है? वो कल के लिए चने भिगोने थे ना, छोले बनाने हैं कल, वो याद आया तो आई। कमरे से केशव गायब है और मेरी ये भी गायब है। सारे गायब है, कुछ गड़बड़ चल रही है। अभी ऋत्विक रानाड़े के घर पे जाएंगे ना, तभी पता चलेगा कि गड़बड़ क्या है। चलो चलो। पार्टी टाइम। वाह दादा मस्त है सर, सारी अरेंजमेंट से टकाटक की हुई है। सुपर है दादा, सुपर मस्त है, है ना? हाँ। मस्त इधर ऐसा म्यूजिक व्यूजिक लगा गया ऐसा डाक चिक डाक चिक डाक चिक। अरे देवा शे, क्या हुआ? अपना साउंड बॉक्स लाने को भूल गए। अपना कौन सा साउंड बॉक्स है? अरे प्रभाकर दादा, वही साउंड बॉक्स जिसमें आपने आपका गाना रिकॉर्ड करके मुझे सुनाया था अभी रिसेंटली। वो कौन सा गाना था आपका? हाँ हाँ हाँ, वो रिक्शा खाली होती है तो बैठते हैं उसमें लोग। होटल खाली होता है तो जाते हैं उसमें लोग। आहा। तो खाली रिक्शा खाली होटल एक हुए, बक्सा बोटल एक हुए। ऐसे कुछ। और वो समंदर वाले में एक नया ट्विस्ट है। वो मुझे बाद में जाते जाते रास्ते में सुनाना। हाँ अच्छा अभिषेक बड़ा सुन। हाँ तू यहाँ वेट कर हमारा, हम लोग फटक करके जाके साउंड बॉक्स लेके आते। हाँ नहीं दादा दादा आप रुकिए, आप दोनों यहाँ पे रुकिए, मैं लेके आता हूँ। क्या है ना दादा, मेरे पास आपसे भी ज्यादा पावरफुल स्पीकर है तो मैं लेके आता हूँ। अरे इधर इतना पावर नहीं है बेटा। नहीं नहीं दादा 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 आप शांत रहिए, मैं लेके आता हूँ, फटाक से आता हूँ। अरे सुन, फटाक से, फटाक से लेके आता हूँ, फटाक से लेके आता हूँ मैं आपको। रुको रुको रुको। क्या लेके? प्रभाकर दादा आपको हर बात याद क्यों दिलानी पड़ती है? हमने सब तय किया था ना। अरे जो तय किया था वो सब याद है, उसमें साउंड बॉक्स का जिक्र नहीं हुआ था। तू सब नया नया बोलता है, उसमें मेरा सिर चकरा जाता है। ठीक है अभी ये नया सुनिए और ध्यान से सुनिए। अभी अमोल आएगा गायत्री को लेके, वो जैसे ही आएगा ना हम दोनों कोई ना कोई बहाना बना के यहाँ से सटक जाएंगे। नहीं नहीं इतनी रात को उसको अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? जब तक अभिषेक नहीं आएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तब तक हम दोनों यहाँ क्या करेंगे, भजन? बोर हो जाएंगे प्रभाकर दादा। अरे मेरे रहते तू बोर कैसे हो सकता है? मतलब? मतलब मैं गाना सुनाऊंगा ना तुझे, सुन।
इतनी रात को अकेले में जा रहे हैं? रात को 12 बजे अकेले में पार्टी करनी है इनको, वो भी किसी और के घर। हाँ हाँ अन्ना भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब है ना हमारे संस्कारी परिवार में। सुना मैं नू बोलू, जितेंद्र नहीं देता। अरे शोभा नहीं देता, शोभा। हाँ भाई हाई सेम अवे। अभी जितेंद्र भाई की धर्म पत्नी का नाम शोभा ही है ना, तो आप क्या आधी रात को बाल की खल निकलने बैठ जाते हो? अरे लेकिन आहो मैं शांत नहीं रहूंगा। अरे बहुत आगे निकल गए हैं वो लोग, चलो पीछा करते हैं। जीवन तो है, पीछा करो। बाद में पहले भागो भागो। अमोल अमोल बाड़ा, ओ प्रभाकर दादा, वाह 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 अमोल वाह, बहुत बड़ा और बहुत मस्त काम किया तूने। ये अभिषेक अब तक क्यों नहीं आया म्यूजिक सिस्टम लेके? हम लोग जाके देखते हैं। हाँ और तुम यहीं रुकना गायत्री, चला चलो। कहाँ है गायत्री काकी? अरे आई ना, ये गायत्री मंदार बन गई। गायत्री कहाँ है? ये मेरे साथ ही आई थी लेकिन अभी वो मंदार बन गई। अरे अमोल अकला चखंदा, ये पहले से ही मंदार है। अच्छा तू कंबल ओढ़ के यहाँ पे क्यों आया धारदार? उर्मिला बहन, अभी मैंने आपके सामने इसे मंदार बुलाया, फिर भी आप इसको धारदार बुला रही है। हाँ भैया आहो। मैं शांत ही हूँ और बाकी सब लोग भी अभी शांत हो जाएंगे, सिर्फ एक आदमी बोलेगा और वो है मंदार। मंदार अभी बता तू इधर क्या कर रहा है? अन्ना मेरे प्रिया अन्ना, सीधे सीधे बोल। मेरे बारे में निबंध बाद में बोलना। मुझे तो उज्ज्वला नहीं बोला था आने के लिए। मंदा दादा अभी आप चाहिए अमोल काका के साथ, ये फोन से आप अभिषेक काका और गायत्री काकी का वीडियो शूट कर लेना। और हाँ याद रखना रास्ते में कुछ बोलना मत। तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद उज्ज्वला, आज मैं अन्ना को सारे सबूत दूंगा जिन्होंने मुझ पर संदेह कर मेरे बाल सुला। बाद में संस्कृत में भाषण देना हा? वरना मौका हाथ से छूट जाएगा ना। हाय शप्पा, तो अभिषेक और गायत्री किधर है? फोन लगा, अभिषेक को फोन लगाओ। हाँ फोन लगा दिया। ये लीजिए। हेलो अभिषेक। अरे अन्ना अन्ना, अपन कौन? अरे मैं केशव। केशव अच्छा, हाँ बोल। कान पे क्यों लगा रहे हो? ये तो वीडियो कॉलिंग है, स्क्रीन पे देखिए। अरे अभिषेक दिखता है इसमें? अभिषेक तो तुझे दिखता हूँ क्या? ये सुविधा भी है क्या इसमें? लेकिन अन्ना मुझे असुविधा हो रही है, मैं सो रहा था, नींद आ रही है मुझे। अरे हाँ ये तो ये क्षमा करना। हाँ बार सो जा। अरे नहीं नहीं अन्ना ये सो नहीं, मुझे दीजिए। सो रहे थे। ये अभिषेक तू भी यही था ना? ये देखिए देखिए कैसे चिढ़ा रहा है, देखिए किधर। अन्ना मुझे सोने दीजिए ना प्लीज। झूठ बोल रहा है ना, ये झूठ बोल रहा है। ए अगला व्या जो कौन बोल रहा है सबको पता चल गया है अभी। यस एक मिनट शांति रखना। दो मिनट भाई। गायत्री आ गई क्या? गायत्री मेरे। हाँ हाँ क्या मम्मी, आधी रात को वीडियो कॉल? तू पहले मुझे पूरा कमरा दिखा तो ऐसे मोबाइल घुमा के। हाँ ये तो कमरे में है मेरा, पूरा कमरा दिख रहा है। वाह वाह वाह, सब लोग तो सो रहे हैं, मैं भी सो रही हूँ। गुड नाइट मंदार माकड़ तोंडिया, तूने फिर से गलत खबर दी मुझे। नहीं नहीं अन्ना, ये खबर मेरी नहीं थी, ये तो केशव काका ने कहा था मुझसे कि अभिषेक काका और गायत्री काकी यहाँ पार्टी करने वाले हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना ये जो नोट है ना वो सादा कागज बन जाएगी। चुप कर।
ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पार्टी अभिषेक और गायत्री नहीं करने वाले थे, पार्टी तो केशव दादा करने वाले थे। ये मंदार, ये देख, मेरा 50 का नोट कोरा नहीं हुआ, दो दो 50 है ना केशव दादा। ए केशव बाड़ा, क्या हो रहा है ये? मुझे क्या पता। क्यों केशव दादा, आपने मुझे नहीं बोला था कि गायत्री को लेके आ करके? तभी तो अन्ना को शक हुआ। अच्छा, शक्की शक्की हैं आप, शक्की शक्की, इतने शक्की, इतना शक्की कोई कैसे हो सकता है? शक्की शक्की हैं आप, शक्की शक्की। अरे कोई ऑफ करो ना इनको, बटन किधर है इसका? वो तो आपको मालूम। इतने शक्की, इतने शक्की, क्या कर रही है तू? अच्छा अभी मैं क्या बोल रही हूँ, देखो जो होता है भले के लिए होता है, मींस के माहौल भी है, खाना पीना भी है, सब तैयारी भी है यहाँ पर, और नींद भी हमारी उड़ी हुई है। मुझे तो नींद आई ही नहीं। तो फिर हम लोग पार्टी कर लेते हैं ना बेन। हाँ कल रविवार भी है। वही नहीं, रविवार का इशारा ऐसे कैसे? अरे ये रविवार का नहीं, वार का इशारा था, चाकू से ऐसे ही तो वार करते हैं। अन्ना भाई क्या बोलते हैं, हो जाए पार्टी? हाँ अन्ना करते हैं पार्टी। शुरुआत मराठी गाने से होगी। कैंसल। उज्ज्वला तुम तो वाकई में जीनियस हो। थैंक यू गायत्री काकी, ये कंबल मुझे दे दीजिए, मैं मंदार दादा को अपना प्यादा बना के आती हूँ। पाउच वाला अब देखना पापा का पासा कैसे उल्टा पड़ता है। तुमने तो वाकई भीम का पासा ही उल्टा कर दिया। तो थोड़ा सेलिब्रेट किया जाए। ओके वेरी गुड बच्चों। नहीं 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 काका, पीछे पीछे, ये लक्ष्मण रेखा है, इस पार आओगे तो वहाँ से आग निकलेगी। एक मिनट, इनको अपने मन से नहीं आना है ना, लेकिन अगर उनको कोई ताकत लगा के खींच के लेके आया तो? ऐसे कैसे हो सकता है? जा मैं हूँ, कुछ भी हो सकता है ना अभिषेक काका? करेक्ट। कबड्डी 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 कबड्डी, अरे सॉरी सॉरी, भाकरवाड़ी भाकरवाड़ी भाकरवाड़ी। मस्त आइडिया उज्ज्वला। आइडिया है किसका? वैसे वो लोग वहाँ पे पार्टी कर रहे तो हम यहाँ कबड्डी खेल ही सकते हैं। तो उज्ज्वला मेरी टीम में। ये। मेन का मेरी टीम में। ये। ओके। तो मैं अंपायर। कौन पहले खेलेगा? लेडीज फर्स्ट। ओके। ओके। पोजीशन। कम ऑन मेंटा, कम ऑन। ये। ये चीटिंग है, ऐसा लगता है लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए आपने कबड्डी का सारा लिया है। आपको सच में सीरियसली खेल के सामने वाले को उसकी मर्जी के खिलाफ लेके आना है। अच्छा तो ठीक है, इस बार दिल वाले दुल्हनिया लेके ही आएंगे। अगर गेम वाकई इतना सीरियस हो गया है तो मैं भी देखती हूँ दिल वाले दुल्हनिया कैसे लेके जाते हैं। तो ठीक है आ जाओ। ओके जीत तो मैं भी गया गायत्री, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ
लाइन क्रॉस करके अपने हाल लेके आऊं या फिर तुम मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ यहां मुझे रोक लो। हम साथ तो हो ही गए ना। अरे देख क्या रहे हो, बहुत रात हो गई है, चलो सोने जाते हैं। इनको जागना है तो जागने दो। गुड नाइट। गुड नाइट। उज्ज्वला सही कह के गई ना, वैसे भी आजकल मुझे नींद ही नहीं आती, जागना तो वैसे भी